ये कहानी है त्रिपुरा में स्थित खोवाई जिले के पंचायत समिति की, जिसे जानने के बाद आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि इतने कम समय में इस प्रकार का बदलाव भी लाया जा सकता है। खोवाई पंचायत समिति अपने सुशासन द्वारा 8 सालों में आय के कई टिकाऊ स्रोत बनाने में सफल रहे हैं। इस सुशासन ने न केवल पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि स्थानीय विक्रेताओं के लिए व्यवसाय के अवसर भी बनाए हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग रोजगार न होने के कारण असहाय थे, वो आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। यह सब तब मुमकिन हुआ जब खोवाई पंचायत समिति ने सरकारी फंड पर निर्भरता कम करने के लिए बनाई योजना को ग्राम सभा में पेश किया। इस योजना के तहत सरकारी फंड के प्रयोग से अप्रयुक्त जमीनों और अन्य प्राकृतिक धरोहर को विकसित किया गया। खोवाई पंचायत समिति की परियोजनाओं ने कुछ इस प्रकार की संपत्तियों का निर्माण किया, जिससे उनके लिए आय का एक मजबूत स्रोत बन गया। यह संपत्ति थी उनके बनाए पार्क, मार्केट स्टॉल्स, कम्युनिटी हॉल, फिशरी, मैंगो गार्डन और भी बहुत कुछ। बदलाव सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि कार्य में भी था, और यह थे खोवाई पंचायत समिति का अपना स्रोत राजस्व यानी ओन सोर्स रेवेन्यू उत्पन्न करने की तरफ पहला कदम। अपना स्रोत राजस्व यानी ओन सोर्स रेवेन्यू किसी भी सरकार द्वारा कमाया हुआ राजस्व, जो अक्सर विभिन्न सरकारी सेवाओं और संपत्तियों से संबंधित शुल्कों और जुर्मानों से कमाया जाता है। बना बिथी इको पार्क नाम से एक पार्क की स्थापना की, जिसने राज्य में स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा, और आसपास के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने भी इस पार्क में विश्राम, पिकनिक इत्यादि के लिए जाना शुरू कर दिया। खोवाई पंचायत समिति ने इस संसाधन का उत्तम प्रयोग करते हुए पार्क में प्रति व्यक्ति प्रवेश की फीस मात्र 10 रुपए रखी। इसके अलावा पार्क में 2 पिकनिक स्पॉट बनाए गए, जहां पार्टी आयोजित करवाने का भुगतान मात्र 500 रुपए रखा गया। हमारे पार्क के क्षेत्र में 72 एकड़ जमीन शामिल है। पार्क में 5 कॉटेज हैं और एक बहुत बड़ी झील भी है। इसके अलावा वहाँ 3 बच्चों के पार्क हैं, जहाँ हर शाम बच्चे खेलते हैं और उनके माता पिता और परिवार पार्क का आनंद लेते हैं। मेरा परिवार और मैं छुट्टियों के लिए इस पार्क में आते हैं और इस पार्क में हमें बहुत आनंद आता है। इस पार्क से पहले हमारे गांव में लोगों के आनंद के लिए कोई जगह नहीं थी, और यह एक बहुत अच्छा परिणाम है। इस पार्क से रोजगार के अवसर बढ़े और हर महीने 80,000 रुपए से 90,000 रुपए इकट्ठा होने लगे, जिससे इस पार्क का विकास और सौंदर्यकरण भी किया गया। इसके अलावा पंचायत समिति में 3 मत्स्य पालन केंद्र को विकसित किया गया, जो स्थानीय लोगों को राजस्व उत्पन्न करने के लिए किराए पर दिए गए। खोवाई पंचायत समिति ने पार्क में बनी झील को 3 वर्षों के लिए एक मछुआरों के स्वयं सहायता संगठन को 5 लाख रुपए में दिया। इन मछुआरों की गतिविधियों ने यहाँ के इकोसिस्टम में भी योगदान दिया। स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके पास काम भी था और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा भी। झील को किराए पर लेने के बाद अब हम 3 साल से सालाना लगभग 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम जो भी मछली पकड़ते हैं वह निकटतम बाजार में बेचते हैं और अच्छी आमदनी कर लेते हैं। हम खुश और समृद्ध जीवन जीते हैं, जिसके लिए मैं खोवाई पंचायत समिति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खोवाई पंचायत समिति ने शासन करने का बेहतरीन उदाहरण निर्धारित किया है। यह हम उनके परियोजनाएं बनाने के तरीके से ही नहीं, बल्कि इन परियोजनाओं के निरंतर चलने के तरीके से भी सीख सकते हैं। जब इन परियोजनाओं को इस्तेमाल में नहीं लाया गया था, तब खोवाई जिले में त्योहारों और समारोहों को आयोजित करने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। फिर पंचायत ने विभिन्न आयोजनों और त्योहारों के जश्न के लिए एक सामुदायिक हॉल भी प्रदान किया। आयोजित किए गए कार्यों को सुचारू और स्वस्थ चलाने के लिए प्रत्येक निवासी द्वारा 500 रुपए का एक हिस्सा जमा किया जाना शुरू किया गया। किसी भी कार्य को सफल बनाना सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं होता। सफलता तब प्राप्त होती है जब पूरा समुदाय एकजुट होकर कार्य करे। पूर्वागंग की गांव में एक अभूतपूर्व कार्य स्थानीय लोगों की सहायता से पंचायत ने शुरू किया। ग्राम पंचायत की कुछ जमीनों पर एक औषधीय बाग यानी मेडिसिनल गार्डन बनाया गया। इस गार्डन में खासकर औषधीय पौधे लगाए जाने शुरू किए गए और जरूरत के हिसाब से इनको मार्केट में बेचकर लाभ कमाया जाना शुरू किया। इस जिले के एक दूसरे गांव मध्यागंकी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मध्यागंकी पंचायत ने बंजर पड़ी एक जमीन का सदुपयोग करके एक आम का बाग शुरू किया। इस बंजर जमीन के उपयोग के साथ साथ वहां रोजगार पैदा हुआ और पंचायत ने अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारी। यह सफलता की कहानी सिर्फ खोवाई पंचायत की नहीं, बल्कि खोवाई में रहने वाले हर एक नागरिक की है। आने वाले समय में इसी तरह भारत के विकास में हर नागरिक का सहयोग पहचाना जाएगा।